चीफ सीईओ कॉम्बो ब्रेकर मल्टीपल चैंपियनशिप जीतने के बाद कि यार अब क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? सब कुछ तो मिल गया था, जो स्लीप बन गया, हर चीज होगी, तो एक पॉइंट पे था कि मैं थक गया था। लेकिन अब फिर मुझे लोगों ने कहा कि इससे लेगेसी जो मैं अपनी बना रहा हूँ और जो मेरे साथ मैं छोड़ दूंगा आज से 5-10 साल बाद जब भी, तो ये मेरे पे मैं कितनी बड़ी लेगेसी कंटिन्यू कर सकता हूँ और क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ लोगों के ऊपर। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेहनत करने पर मजबूर किया कि ये मेरी अपनी लेगेसी है, मैंने इसे खुद बनाना है और मैं जितना भी मेहनत करूंगा, जितनी चैंपियन जीतूंगा, तो ये चीजें मोटिवेट कर रही थी। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन आई से दैट द लेगेसी दैट अरसलान ऐश हैज क्रिएटेड is going to be unparalleled and it's going to be written in history. Absolutely. No matter what happens, there's no one, absolutely, no one who can absolutely replicate what he has achieved. Yes. For Pakistan. Mashallah. So thank you so much, Arslan, for that. Mashallah, kya baat hai, Arslan. Arslan, moving on. Okay. We do know that you had a lot of plans for the Pakistani FGC as well. Okay. Before you went for Nations Cup, aapne us time pe bhi bola tha. उसके अलावा भी हमारी आपस में बातचीत होती रहती है। तो what are you planning on doing for the Pakistani FGC? मैंने अभी से 4 साल पहले एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एशिज के नाम से, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉन्सर्स नहीं है, अब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन तब कोई सपोर्ट करा था पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने खुद से फंडिंग की थी इस प्रोजेक्ट के अंदर और लोगों को स्पॉन्सर किया, जिसके अंदर दाऊद था, आतिफ था, अभी रिसेंटली हाफिज साहब भी थे, पहले रिसेंटली कासिम है, काशिफ है और हीरा मलिक है। तो ये एक प्रोजेक्ट था और बाहर जाके आतिफ जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर एशिज और अभी बड़ी लीग में खेला वो। इस तरह एक स्पोर्ट प्रोग्राम है जो मैंने शुरू किया, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बहुत अप्रिशिएशन मिल रही है। तो मैं उसके लिए कासिम और हीरे को बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर। जी कासिम, पहले आपसे शुरू करते हैं। ठीक है यार, मुझे बताएं कि अभी आपको वैसे कितना टाइम हो गया है वर्किंग विद अरसलान, बीइंग अ पार्ट ऑफ एशेज फॉर हाउ लॉन्ग? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि शुक्रिया ये पार्टी जो भी है, हमें खुशी है कि अरसलान ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लाइफ में भी खुशी है। तो मुझे 2.5 साल हो गए इसके साथ, तो यानी जो अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए थी ना, हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। लाइक अब हम भी खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो काफी अच्छा फील हुआ है। मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि यू बीन ट्रैवलिंग एज वेल, थोड़ा सा ट्रैवल आपने भी किया है, यू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। यानी इसने हमें भेजा था रिलीजन में, तो वो हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, यानी इतना अच्छा नहीं था पर अच्छा फील हुआ है। नहीं अच्छा, इस तरह से कह रहा है कि मैं हार गया था, इस तरह से नहीं कि मैंने कुछ अच्छा बुरा किया। अच्छा, आप मुझे बताओ यार, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक? आपने अभी मेरे साथ रिसेंटली ज्वाइन किया है एशेज के बूट कैंप को, एशेज की टीम को, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना टाइम हुआ है और अभी आप अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? इसके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी पुरानी दोस्ती है, पहले भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उस टाइम मेरी बात आ रही थी, यानी कि कुछ दूसरे कंपनी से, मैंने उस टाइम नहीं किया स्पॉन्सर, तो अब इसने मुझे दोबारा और इंशाल्लाह कासिम इज आल्सो गोइंग टू अफ्रीका, वहां पे चैलेंजर मैच खेले, तो यू विल सी देम इन फ्यूचर इवेंट्स एज़ वेल। नाइस, सो कासिम इज गोइंग। मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक एंटायरली, उससे पहले मुझे आप अपने कैलेंडर ईयर के बारे में थोड़ा सा मजीद बताओ कि यार व्हाट डू यू हैव इन प्लान? ऑब्वियसली लीडर बोर्ड पे इस वक्त तो आप टॉप पे हो, ठीक है, तो फॉर द रिमेंडर ऑफ द ईयर डू यू प्लान ऑन स्टिल कंटिन्यूइंग टूरिंग या आर यू गोइंग टू स्टे इन पाकिस्तान प्रैक्टिस ओनली? हां बिल्कुल, जिस तरह के मैं टेकन वर्ल्ड टूर के लीडर पे हूं, लेकिन 2019 के अंदर मैंने गलती की थी, मैं भी सबसे ऊपर था, लेकिन टॉप 3 में था लीडर बोर्ड पे, तो मैंने ट्रैवल करना बंद कर दिया था और मैंने कहीं भी नहीं गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं सबसे ऊपर टेकन वर्ल्ड टूर में जाऊंगा, गेम लीडर रखूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, आपको मजीद जाना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है लोगों के
साथ उनके वो आपकी गेम भी स्टडी कर रहे हैं, वो टूर्नामेंट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो मैं भी मजीद इवन के अगर पॉइंट्स पूरे हो गए मैं भी बहुत से इवेंट्स पे जाऊंगा सर इंशाल्लाह। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंशाल्लाह व्हाटएवर फ्यूचर टूर्नामेंट्स दैट अस्लान इज गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। अच्छा अस्लान, अब आते हैं हम, इससे थोड़ा सा ही अर्सा पहले एक और इवेंट हुआ था, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल TWT इवेंट जिस तरह के होते हैं, ठीक है, इट वॉज अ टीम गेम, ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ अबाउट योर एक्सपीरियंस इन सऊदी अरेबिया, व्हाट वाज दैट लाइक? सऊदी अरेबिया के इवेंट में मजीद बात करने से पहले आई वुड लाइक टू कॉल माय बेस्ट फ्रेंड्स खान एंड आतिफ भाई, नमस्ते। ये जी लले मेरे तो उनके यहाँ पूरी दुनिया जानती है, दिस एक्चुअली हाफ अ मिलियन डॉलर टीम बाय द वे। हाँ आई थिंक जो टूर्नामेंट था वो मेरे वो टीम टूर्नामेंट था, वो आतिफ ने खान ने, मतलब मैं कहूँगा कि हम तीनों ने मिलकर खेला था, खान भी ही प्लेड वेरी गुड और आतिफ तो ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे जिसने मुझे पाया था, तो मैं तीनों की टीम वर्क से ये पॉसिबल रहा है, तो मैं इनको इतना ही डिजर्व करता है, इतना ही डिजर्व करता है। आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद द टू बॉयज एज वेल, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान ईस्पोर्ट्स एंड पाकिस्तान FGC इन जनरल, व्हिच इज व्हाई आई बिलीव दैट वी नीड टू अप्रिशिएट द लाइक्स ऑफ खान एंड आतिफ जस्ट एज मच एज वी अप्रिशिएट अस्लान। अच्छा खान, मैंने आपसे इस बारे में जरूर बात करनी थी, ठीक है, कि राइट बिफोर द टूर्नामेंट हैपेंड मुझे अस्लान ने तो खैर कहा था कि ही इज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो तीन प्लेयर्स जा रहे हैं जो कि यू नो ही हैज बीन ग्राइंडिंग विद, ही इज बीन प्रैक्टिसिंग विद द मोस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग का एक बहुत पुराना बहुत पुरानी एक याराना भी है, ठीक है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर सेड इन द मीडिया इन द कम्युनिटी अबाउट यू, ठीक है, लोग कह रहे थे कि यार खान की जगह शायद नहीं बनती थी, ठीक है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट एंड यू प्लेड आउट ऑफ योर स्किन, बाय द वे फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो खान वाज अनबीटन ड्यूरिंग द एंटायर टूर्नामेंट। यस माशाल्लाह। तो लाला इस बारे में क्या बात करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया इस इवेंट के लिए जो तुमने ऑर्गेनाइज किया, आगे पार्टी देगी। मैं ये कहूंगा यार लोग तो बहुत बोलते हैं, उनको क्या पता किसी के कैलिबर का, अब मैं जानता हूँ इस्लाम को, आपको तो मुझे पता है, और वैसे भी टूर्नामेंट जब था टीम टूर्नामेंट था तो इस्लाम को भी बेहतर पता था जब उसने चूज किया था कौन परफॉर्म कर सकता कौन नहीं कर सकता। कुछ इवेंट पर मतलब कि ज्यादा ट्रैवल नहीं करता, तो मैंने सिर्फ तीन इवेंट ट्रैवल किए हैं, वो भी तीनों ईवो गेम हो रहे हैं, तो टॉप 8 में या ऐसा टॉप 10 में आता था वो भी बना, अगर ज्यादा ट्रैवल करूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ज्यादा इंशाल्लाह जीतूंगा, और बोलने वालों का क्या करेंगे तो बोलते रहते हैं, गाड़ी गुजर जाती है पास है तो बोलते रहते हैं। वैसे ये था कि प्रैक्टिस हमने की थी अच्छी, प्लान में मैंने और आते थे डेढ़ मंथ पूरा, तो घर भी कम टाइम दिया, यही था कि जीतना है पाकिस्तान के लिए जीतना है, अब जीते हैं उससे काफी चीजें चेंज होगी तीनों की लाइफ में, मेरा दोस्त जो कि यही हमारा प्लान। अच्छा आतिफ, मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, आतिफ एक तो ये कि अगेन फॉर दोज ऑफ यू हु वॉच्ड द टूर्नामेंट नो एग्जैक्टली व्हाट आतिफ डिड, ठीक है, आतिफ हमारे जो नर्वस ब्रेकडाउन्स होते हैं उसका भी कारण आतिफ ही होता है, ठीक है, और हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी देने की वजह भी आतिफ भाटी होता है, ठीक है, तो आतिफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब ग्रैंड फाइनल्स चल रहे थे, ऑब्वियसली यू नो समथिंग हैड हैपेंड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? अच्छा उस टाइम जो अच्छा उस टाइम ये सीन था कि जो पाकिस्तान कोरिया हो रहा था ना, तो सब लोग ये जो कोरियन जो देख रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर कोरियन जीतेगा तो हम ये पोस्ट करेंगे रीजन वन, ठीक है, तो अगर पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी फिर अपनी जगह पर वो कहते हैं कि हम अपने प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि ये रीजन वन है, तो मेरे ख्याल में यही आया कि अगर हम ये हारेंगे ना टूर्नामेंट से ये बहुत बेइज्जती होगी, तो यहाँ तक कोरिया नंबर वन हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्री है जो वो बातें करेंगे कि जी सच बोलना है कि कोरिया नंबर वन है ये तो वो है, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि यार इनसे जीतना, तो मैंने दोनों को भी यही कहा कि यार इनसे जीतना इनसे हारना नहीं है, ठीक है, तो यही मेरी वजह से पूरी कोशिश की है जीतने की, तो सभी भी रिजल्ट आए।
अच्छा सो गाइस लाइक आतिफ आल्सो सेड ठीक है ऑब्वियसली देयर वाज अ ह्यूज प्राइस पूल दैट वाज एट स्टेक ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग गोइंग ऑन इन देयर हेड वाज द प्राइड फॉर देयर कंट्री ठीक है एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड दे प्ले फॉर पाकिस्तान ठीक है ऑल ऑफ दीस थिंग्स कम एंड गो दे सेकेंडरी ठीक है लेकिन एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंट्री थैंक यू सो मच खान थैंक यू सो मच आतिफ टूर्नामेंट में थोड़ी परफॉर्मेंस इसलिए भी लो होती है क्योंकि हमें पता नहीं प्लाना इसलिए बिजी हुए होते हैं भाई थैंक यू सो मच जिस तरह के मैं पहले दफा बाहर गया था ये सवाल मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि पहला एक बंदा जिसने मुझे सपोर्ट किया था लोकली जब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था मुझे और जिसने मुझे फंडिंग की थी वो पहली दफा आईवी में भेजा था मैंने काफी दफा नाम लिया हुआ है दानी भाई से मल्टीपल इंटरव्यूज के अंदर लेकिन कभी मुझे अप्रिशिएट करने का मौका नहीं मिला और कभी उनको पूरी इज्जत देने का मौका नहीं मिला कि पहले बंदे ने इसे ट्रस्ट किया और लाख डेढ़ लाख लगाया ऐसे बंदे पे जिनको पता कि कितना पैसा वेस्ट हो गया है और ये 2000 आई थिंक 2018 की बात है जो 2 लाख की काफी वैल्यू दी थी आई थिंक उसमें सीख भी मुझे लेके दी दानी भाई ने मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ उस बंदे से थैंक यू दानी भाई आपके इस इंसान का जिंदगी रहा मेरे ऊपर गाइस प्लीज ताली में जाएं मुझे क्या बात है वाओ अस्सलामुअलैकुम दानी भाई वालेकुम अस्सलाम दानी भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आई थिंक दी एंटायर कंट्री आपको मिलके थैंक्स फेस करती है क्योंकि अगर आपने ये डिस्कवरी ना की होती और आपने उसके ऊपर वो ट्रस्ट ना किया होता तो शायद आज के दिन हम लोग यहाँ पे गैदर्ड ना होते ठीक है लेकिन आप मुझे बताएं कि इनिशियली जब 2018 आपने कहा था इसमें 2018 के अंदर जब अरसान को आप मलेशिया स्पॉन्सर करना चाह रहे थे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था व्हाट वाज गोइंग ऑन आप थोड़ा सा अगर ऑडियंस के साथ चाहिए थे एक्चुअली इस तरह था कि खान और अरसान दोनों मेरे पास होते थे तो मेरा काफी देर पहले से रहता था कि इस तरह किसी प्लेयर को ना हम बाहर भेजें जो डिजर्विंग हो ठीक है तो मैंने खान से बात की कि यार इस तरह से लड़के ना हम खान तुम्हें भेज देते खान ने आगे से बोला कि नहीं आप इस तरह करेंगे आप इस्लाम को भेज देंगे इस्लाम आगे खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेगा ठीक है तो हमने फिर मतलब कि इसके इस्लाम को भी आज पता चला है टूर किया था वो दुबई मलेशिया और मस्जिद का हाँ हाँ कुमार और मलेशिया का था तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर अचीवमेंट हुई तो आगे आपके सामने सर जबरदस्त है नहीं तो आई बिलीव कि जी दानी भाई के लिए स्पेशल एप्लीकेशन होनी चाहिए ठीक है आई थिंक कि दानी भाई प्रॉब्ली वन ऑफ दोज पीपल जिनकी वजह से आज अगर हम लोग ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं या स्टोरीज डाल रहे होते हैं अबाउट अरसलान अचीवमेंट्स ठीक है आई थिंक नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द कंट्रीब्यूशन दैट दानी भाई हैज ऐड टुवर्ड्स द पाकिस्तान एफजीसी सो थैंक यू सो मच दानी भाई आप जैसे लोग हैं जो कि अभी से इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन ये है कि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है और इंशाल्लाह और भी आगे लोगों को चलाते रहेंगे बहुत शुक्रिया